हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग टेल्स पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये बेबी बूटीज लेके आई हूँ। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 28 फंदे डाला है और 28 फंदे डालने के बाद पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे। पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने सीधी सिलाई पूरी बना लिया। अब उल्टी साइड से भी पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। ये पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने दो सिलाई सीधी सीधी बना लिया है। ये एक लाइन बन के आ गई है। इसी तरह से हम दोनों तरफ से सीधा बनाते हुए 56 लाइन बना लेंगे। ये लाइन 28 लाइन आ जाएंगी। अब ये हमने 56 लाइंस बना लिया। अब ये देखिए 28 लाइन बन के आ गई है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब ये 28 लाइन बन गई है। अब ये इस तरह से बन के आ गया है। अब यहाँ पे हम 11 फंदे बंद कर देंगे। अब ये देखिए किस तरह से बंद करते हैं। एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेंगे। दो फंदे हमने सीधे बुना। अब ये पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे। ये एक फंदा बंद हो गया। अब एक फंदा और बुनेंगे। फिर ये पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे। अभी हमने ये 11 फंदे बंद कर दिए। अब यहाँ पे 17 फंदे होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। ये 17 फंदे अब हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये ऑरेंज कलर लगा लिया है और ये पूरे फंदे सीधे बुन लेंगे। ये पूरा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने पूरी सीधी सिलाई बना लिया। अब उल्टी तरफ से ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। ये पूरा बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने एक सिलाई सीधा और एक सिलाई उल्टा बना लिया। अब फिर ये सीधी सिलाई हम बनाएंगे और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बना लेंगे। ये हमने चार सिलाई सीधा उल्टा बना लिया। अब ये पांचवी सिलाई में पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे।
पूरी सिलाई बना लेंगे। ये पूरी सिलाई हमने उल्टी बना लिया। अब उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। पूरी सिलाई बना लेंगे। ये हमने दो सिलाइयाँ सीधा उल्टा बना लिया। अब सीधी तरफ से फिर हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। उल्टी तरफ से फिर हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। ये हमने चार सिलाई उल्टा सीधा इसको बना लिया। अब देखिए ये इस तरह से आएगा। एक तरफ से सीधा उल्टा इस तरह से देखने में आएगा और सीधी साइड में इस तरह से आएगा एक तरफ से। तो इसकी ये छह लाइनें रहेंगी और इसकी पांच लाइनें रहेंगी। इस तरह से पूरा हम ऊपर बना लेंगे। अब ये देखिए पूरा बना के हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये सीधे उल्टे की ये छह लाइनें आ गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ये जो उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा है इसकी पांच लाइनें, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब ये इतना बनाने के बाद हमने यहाँ पे फंदे बंद कर दिए। अब ये इस तरह से बन के आ जाएगा ऐसे। अब हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया। इसको डेकोरेट करने के लिए हमने ये छोटी छोटी सी ये मोती लगा ली है, दो दो मोती एक एक लाइनों पे लगाई है। अब ये इस तरह से बन के आ जाएगा। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। इसको ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे, ऐसे उल्टा करेंगे ऐसे। ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इसको यहाँ से और यहाँ तक सिल लेंगे। अब इसकी हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर ली। ये देखिए ये हमने सिलाई कर ली। अब ये इस तरह से बन के आ जाएगा ऐसे। अब नीचे वाले को हमने इसकी सिलाई कर लेनी है, ये नीचे का पार्ट, यहाँ से पूरी यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। अब हमने इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलाई कर ली है। अब ये इस तरह से बन के आ जाएगा। अब हम ये ऊपर का पार्ट जो है इसमें हम फंदे उठाएंगे और इसकी चुन्नट डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो लंबे लंबे धागे दिख रहे हैं ये उठा लेंगे ऐसे। अब हम ऐसे यहाँ तक उठा लेंगे। ये इसको हमने सुई पे उठा लिया। अब उठाने के बाद इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर ये लास्ट वाले सिरे में ऐसे सुई बुक करके और फिर इसको हम खींच देंगे। इसको ये जब चुनटें आ जाएंगी इसको यहाँ पे ऐसे खींच देंगे। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे हम खींचने के बाद ऐसे सुई से ऐसे टांग देंगे। ये दोनों सिरों को इधर का और इधर का मिला के ऐसे ये इसको हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद ये इस तरह से बन के आ जाएगा। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे हमने फोल्ड कर लेना है
तो ये जूती इस तरह से बन के आ जाएगी। और इसको डेकोरेट करने के लिए हमने ये एक फ्लावर बनाया है और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इसको हम लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये हमारी जूती बनके तैयार हो गई है। देखिए ये बनके कितनी सुंदर लग रही है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।